लगातार जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है देश में वृद्धि हो रही है। कल महानगर में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि जो परिवहन व्यवसाय है वह लगातार जो है ध्वस्त होता जा रहा है। यह कहना है टैक्सी संगठन और ऐप कैब संगठन का। यही वजह है कि आज यानी कि जो है ऐप कैब और टैक्सी संगठन ने जो है हड़ताल का आह्वान किया। जो एटेक समर्थित टैक्सी संगठन है उन्होंने न्यूनतम किराए की मांग को लेकर के और जो ऐप कैब है उनके जो कमीशन को लेकर जो समस्याएं हैं उसे लेकर के जो आज यहां धरना प्रदर्शन राजा सूर्य मल्लिक सरकार ने किया है। ये हम लोग की मांगे हैं कि जो हमारा वर्तमान किराया है 30 रुपया करके प्रति किलोमीटर, उसको हम लोग सरकार से बोले हैं कि इसको मिनिमम 50 रुपये किया जाए और वेटिंग चार्ज जो था हमारा 130 था उसको हम लोग बोले हैं 250 रुपये करने के लिए। और आज जो हमारे सड़क पर जो हमारे लोग उतरे हैं लोग कहें जस्ट एक चेतावनी के रूप में है। इस सरकार को बोलना चाहते हैं कि तुम संभल जाओ नहीं तो हम लोग फिर सड़क उतरेंगे। हम लोग ओवर ऑफिस का जो मैनेजमेंट जो अनाचार कर रहा है मनमाना कमीशन 30% 40% कमीशन काट ले रहा है इसके खिलाफ में और मनमाना जो विभिन्न तरीका जो कौशल करके करप्शन करता है ये बंद करने के लिए हम लोग 25 तारीख को तय किए हैं कि आज वहाँ बोल गया है कि हम लोग ओवर ऑफिस जो राजबिहारी ऑफिस है वहाँ पर 12 बजे से लेकर 5 बजे तक हम लोग कंटिन्यूस 5 घंटा हम लोग धरना में बैठेंगे। हम लोग वहाँ पर इस सिलसिले में जो संगठन के नवल किशोर श्रीवास्तव उन्होंने परिवहन सचिव को एक ज्ञापन भी सौंपा है और साथ ही अपील की है जल्द से जल्द उनके किराए में जो है वृद्धि की जाए टैक्सी के, अन्यथा जो परिवहन व्यवसाय है टैक्सी चालकों का बिल्कुल ठप हो जाएगा। उन्होंने एक तरह से चेतावनी भी दी है सरकार को कि यदि उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो वह लगातार जो है आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कैमरे पत्ते के साथ संदीप भाई सन्मार्ग कोलकाता।